आज हम दूसरे हाइक पे जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये, सुबह है और पीछे वादियाँ। ये जो दिख रहा है यहाँ पे जाएंगे हम थोड़ी ही देर में। ये जो पीछे रास्ता दिख रहा है वहाँ से हम आगे बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं। नीचे कैमल्स अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। क्या खूबसूरत है ये, चल रहे हैं इन चट्टानों के बीच में। आधा घंटा हो गया है चलते चलते। इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखो कहाँ आ गए हम, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मेरे पीछे दिख रहा है पूरा फुजेरा सिटी और उसके पीछे समंदर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया हमने। यहाँ पे इस तरह का घास दिखाई देता है और ये सुंदर नज़ारे। ये तो बहुत सुंदर हाइक है, सामने कई ट्रेल्स दिख रहे हैं। हम लास्ट वीक इस ट्रेल पे गए थे और वो भी काफ़ी सुंदर था, और ये ट्रेल पे भी मज़ा आ रहा है। हम एक घंटे से चल के आ रहे हैं इस खूबसूरत वादी में और अचानक दिखता है ये नोमैड का घर और कई सारे कैमल्स। ट्रेल्स एक्चुअली ऐसे भागने वाले ट्रेल्स नहीं है, पूरे पत्थरों से भरे छोटे छोटे। हार्ट रेट 147। और फिर उसमें पत्थरों पे पैर रख रख के जाना पड़ता है, तो अगर नए लोग हैं तो एंकल ट्विस्ट भी काफ़ी जल्दी हो सकता है ऐसे वाले ट्रेन्स पे। बट हाँ अलग है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलते चलते बिल्ली रास्ता काट देती है, वैसे यहाँ पे मेरा रास्ता काटा है इस स्पाइडर ने। काफ़ी बड़ा स्पाइडर वेब है तो हमें ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। ये घर दिख गया बीच में। कैमल्स, पता नहीं इन लोग पानी वगैरह का क्या इंतज़ाम करते, पर ये पूरा सूखा सूखा है। अब पहुंच गए हैं हम माउंटेन के ऑपोजिट साइड पे और ये नाश्ता चल रहा है इनका और ये घर। ये हम जा रहे हैं इस ट्रेल पे, सामने दिख रहा है पूरा सिटी, वो नोमैड का हट, और ऐसे हम चले आए खूबसूरत पहाड़ों में। हार्ट रेट 140। ये मिल गया ट्रैश, उठा के इसे उठा के अपने साथ ले जाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। ये वादियाँ खूबसूरत ही रहनी चाहिए, ना कि कचरे से भरी हुई। और कुछ मिल गया, इसे भी उठाते हैं और घर लेके जाते हैं। क्या खूबसूरत ट्रैक है ये। अभी माउंटेन के नीचे पहुंच गए हैं, वैली दोनों तरफ, एक साइड में साइकिलिंग ट्रैक, एक साइड में अच्छा मार्क किया हुआ ट्रेल, और वो दिख रहा है हमारा बेस जहाँ पे जाएंगे पानी पिएंगे। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आराम करेंगे। और एक ट्रैश मिला जिसे घर लेके जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ भेड़ बकरी का पालन होता है, वैसे ही यहाँ यूएई में ये लोग बकरे होते हैं इनके पास, बट ज़्यादा करके कैमल्स भी पालते हैं। हमने उस दिन कैमल के दूध से बना हुआ चाय पिया था और वो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। गाय भैंस पालते हुए मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने इतना यहाँ पे ट्रैवल भी नहीं किया है,
माउंटेन्स में तो कैमल्स पालते हैं ये पता है। ऑलमोस्ट आ गए हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है यहाँ से, हमारी मतलब मेरी नहीं, जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हो। तो अभी वो ये इतना अच्छा ट्रैकिंग का लोकेशन ढूंढा, अब अगर इनके पास ग्रुप आ गए तो ये लोग उनके लिए इस ट्रैक पे जा सकते हैं। तो मैंने ये जो सामने दिख रहा है वहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, और घूमते घूमते इसके पीछे से यहाँ पे आ पहुँचे। यहाँ से कोई दूसरी ट्रेल भी दिख रही है, अगले टाइम यहाँ जाएंगे। ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, 1 hour 47 minutes। सुपर 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 कूल हाइक। ये दो ट्रैक हमने कर लिए आज के दिन में। कुछ दिनों बाद एक लेडीज ग्रुप आने वाला है फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, तो देखते हैं अगर उनको भी ट्रैक पे जाना है तो। दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल हाइक, और उनके साथ शायद ये वाला या फिर कोई अगला अच्छा वाला ट्रैक करेंगे। ये सुंदर सा ब्रिज बना है, और दो यहाँ कुछ पानी वानी नहीं है, क्या पता बाढ़ आ जाए तो इसके नीचे से चले जाएगी। और यहाँ से वो ट्रेल है जो पहाड़ के टॉप पे जाता है। ये हो गया आज के आधे दिन का काम ख़त्म, और वापस शाम को एक हाइक वॉक या स्विम करने जाएंगे। टेक केयर।